फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी पोर्टल भी अब इनकम टैक्स पोर्टल जैसे ही अपडेट होता जा रहा है धीरे धीरे करके। अभी हमने देखा था रिसेंटली टैक्स पेयर कम्युनिकेशन टैब उनने लेकर आए थे कि टैक्स पेयर अपने रिसिपिएंट और सप्लायर से थ्रू जीएसटी पोर्टल ही कम्युनिकेट कर सकता है। अब नया फंक्शनैलिटी भी उनने ऐड कर दी है जो कि लाइबिलिटी मिसमैच से रिलेटेड है। अगर आपने जो जीएसटी वन में लाइबिलिटी बताई और थ्री बी में बताई, उसमें अगर मिसमैच है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, तो आपको एक इंटीमेशन आएगा DRC 01B का, जो कि रिसेंटली बजट में भी आया था। अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी और इसको आप कैसे रिप्लाई कर सकते हो। अगर कोई लाइबिलिटी या डिफरेंस है जीएसटी वन एंड थ्री बी में, तो आपको एक इंटीमेशन आएगा DRC 01B में। यहाँ पर बताया गया है कि जब आपको ये इंटीमेशन आएगा तो आपको इसका रिप्लाई करना जरूरी है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो आप फर्दर पीरियड की जो GSTR 1 है या IFF है, ये फाइल नहीं कर पाओगे, वो ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इस इंटीमेशन का जवाब देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई डिफरेंस है तो आप पहले ही नोट करके रख लें कि वो क्यों डिफरेंस है, क्योंकि आपके पास ये इंटीमेशन आएगा क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। अब ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी, ये कंपेयर करेगी GSTR 1 और 3B को, और कोई डिफरेंस है तो आपको तुरंत इंटीमेशन आ जाएगा। आप ये फॉर्म का रिप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए भी उनने पूरा टैब बताया है। जब आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो सर्विसेज में रिटर्न कंप्लायंस में आप देख सकते हैं ये फंक्शनैलिटी आ चुकी है, लाइबिलिटी मिसमैच DRC 01B। तो इसको आप व्यू करेंगे। व्यू में आप तीन तरह से आपके इंटीमेशन को सर्च कर सकते हैं। एक रेफरेंस नंबर, जहां पर आपको ARN बताना है। एक ऑप्शन है रिटर्न पीरियड, जिस भी पीरियड से रिलेटेड आपके पास DRC 01B का इंटीमेशन आया है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। और स्टेटस, स्टेटस में आप पेंडिंग या कंप्लीटेड दोनों तरह से सर्च कर सकते हैं। पेंडिंग है तो अब भी आपको तुरंत आ जाएगा और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। इसके लिए जब इंटीमेशन है तो इंटीमेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा। तो आपको टाइमली तरीके से अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल चेक करते रहना है कि ऐसा कोई इंटीमेशन आया है कि नहीं। अब यहाँ पर उनने ट्यूटोरियल गाइड बताई है जिसमें FAQs हैं, जिसको जिसमें DRC 01B से रिलेटेड बताया है कि किन किन पे एप्लीकेबल है। तो ये सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल है जो रेगुलर एसएससीज हैं, इंक्लूडिंग SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर्स, कैजुअल टैक्स पेयर, टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड इन और आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। बेसिकली जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 1 और 3B, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इंटीमेशन आएगा। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं तो क्वार्टरली रिटर्न जैसे आपने 3B फाइल करी, तो वो GSTR 1 एंड IFF से कंपेयर करके आपको तुरंत इंटीमेट कर देगा अगर कोई डिफरेंस होगा। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो मंथ वाइज आपके पास आ जाएगा अगर कोई डिफरेंस होगा तो। हाउ विल आई बी इंटीमेटेड दैट आई हैव सबमिट रिप्लाई इन फॉर्म DRC 01B पार्ट। अब ये जो DRC 01B है, इसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है जिसमें इंटीमेशन से रिलेटेड आपको डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए गए हैं कि ये डिफरेंस कैसे निकाला गया है, और पार्ट बी में आपको रिप्लाई प्रोवाइड करना है। अगर आप DRC 01B का जवाब नहीं देंगे, रिप्लाई नहीं देंगे पार्ट बी में, तो आपकी जो फर्दर GSTR 1 और IFF है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये अनब्लॉक कब होगा, आप जैसे ही इसका रिप्लाई फाइल कर देंगे, DRC 01B का रिप्लाई जैसे ही आप फाइल करेंगे, तुरंत आपका जो GSTR 1 है वो अनब्लॉक हो जाएगा और आप आराम से GSTR 1 और IFF फाइल कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको कोई एरर लगता है तो उन्हें बता दिया, आप लॉग आउट करके लॉग इन करें अगेन, और उसके बाद फ्यू मिनट बाद आप अपने GSTR 1 या IFF फाइल कर सकते हैं।
अगर आप जब रेफरेंस नंबर 3, जैसे मैंने आपको बताया अभी पोर्टल में कि रेफरेंस नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, रिटर्न पीरियड से भी सर्च कर सकते हैं और स्टेटस से भी सर्च कर सकते हैं कि हमें कौन से डीआरसी का जवाब देना है। अगर एआरएन डालते टाइम इनवैलिड आ रहा हो तो आप पहले देखिए कि आप जो एआरएन है वो प्रॉपर तरीके से डाल रहे हैं। इंश्योर दैट एआरएन इज वैलिड एंड करस्पॉन्ड्स टू सेम DRC 03 एंड जीएसटी है। द DRC 03 शुड हैव बीन फाइल्ड ऑन और आफ्टर द डेट वेन DRC 01 B पार्ट A वॉज इशूड। अगर कोई लाइबिलिटी है आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो डिफरेंस है वो सही है और आपको फर्दर लाइबिलिटी पे करना है तो DRC 03 के थ्रू आप पे कर सकते हैं। कंफर्म दैट द कॉज ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड इन DRC 03 इज लाइबिलिटी मिसमैच। जब आप DRC 03 फाइल कर रहे हो पेमेंट के टाइम पे तो आपको लाइबिलिटी मिसमैच सिलेक्ट करना जरूरी है। लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1-2 GSTR 3B, ये कुछ कुछ पॉइंट है इसका आपको ध्यान रखना है वाइल मेकिंग पेमेंट। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो फिर आपको एरर आ सकता है। वैसे ही आपको पीरियड का भी ध्यान रखना है कि जो आप पीरियड सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का वो सही पीरियड हो। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो फॉर्म टू डेट सही होना चाहिए। क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो एटलीस्ट 1 month विद इन दी क्वार्टर होना चाहिए। हाउ कैन आई डी सिलेक्ट एनी रीजन फॉर द पेमेंट डिफरेंस आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिटेल फॉर द रीजन सिलेक्टेड अर्लियर। अभी हम नीचे देखेंगे फॉर्म में कैसे रीजन दिए गए हैं, उसको आप डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इफ यू डी सिलेक्ट एनी रीजन फॉर डिफरेंस आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिटेल द सिस्टम विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज रिक्वेस्टिंग फॉर डिलीशन ऑफ डिटेल ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सो आफ्टर डिलीटिंग द डिटेल्स एंटर्ड फॉर द रीजन सिलेक्टेड अर्लियर यू विल बी एबल टू डी सिलेक्ट दैट रीजन। मतलब जब भी आप कोई सिलेक्ट करा है और आपने आंसर दिया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आप डिलीट करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा दैट यू आर डिलीटिंग दिस रीजन। तो आप अगर चाहते हैं तो उसको कंफर्म करके डीसिलेक्ट कर सकते हैं। जो पार्ट बी है DRC 01 B का आपको रिटर्न कंप्लायंस में जाके ही जवाब देना है। कैसे, जैसे अभी हम मैंने आपको बताया पोर्टल में सर्विस में जाना है आपको, रिटर्न्स में रिटर्न कंप्लायंसेस, रिटर्न कंप्लायंस। अगर आपको मैं थोड़ा और बड़ा कर दीजिए जैसे क्लियर दिखे, सर्विस टैब में रिटर्न, रिटर्न के अंदर रिटर्न कंप्लायंस, यहाँ आपको DRC 01 लाइबिलिटी मिसमैच दिखेगा। इसको आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू करने पे आपके अगर कोई पेंडिंग है या कंप्लीटेड है वो सब आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप डायरेक्टली रेफरेंस नंबर पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप जो ये 3 टैब दिए हैं 3 टैब से भी सर्च कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड और स्टेटस। रेफरेंस नंबर पे आपको वैलिड एआरएन नंबर डालना है तो वो सर्च करेगा। अब अगर हम रिटर्न पीरियड की बात करें तो आपको फाइनेंशियल ईयर पहले सिलेक्ट करना है और रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करना है और उसके बाद सर्च करना है। अगर हम स्टेटस की बात करें कि स्टेटस के थ्रू आप ओपन करना चाहते हैं रिस्पेक्टिव DRC 01 B, तो आप पेंडिंग या कंप्लीटेड रिस्पेक्टिवली सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेटस और उसके अकॉर्डिंगली सारे DRC 01 रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। एक बार आपका ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा तो आपको ओपन करना है। पार्ट ए में इंटीमेशन डिटेल्स होंगी कि इंटीमेट किया जाएगा कि आपने पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड का तो GSTR 1 है उसके हिसाब से IGST की कितनी, CGST की कितनी, SGST की कितनी लाइबिलिटी बताई है, सेस की कितनी बताई है, और 3B में आपने कितनी बताई है IGST CGST SGST सेस, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो इतना आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये क्यों आ रहा है इसका रिप्लाई देना आपको जरूरी है। पार्ट ए सेपरेटली डाउनलोड हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको तुरंत पार्ट बी दिख जाएगा, रिप्लाई बाय टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पेड द डिफरेंस अमाउंट थ्रू DRC 03। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइबिलिटी जेन्युइन है देन यू हैव टू पे थ्रू DRC 03। तो जो DRC 03 का ARN नंबर है वो मैच होना चाहिए इसी DRC 01 B से। तो आप यहाँ पर ARN डाल सकते हो, वैलिडेट करके देख सकते हैं, या फिर क्लिक हेयर फॉर DRC 03। ये भी ऑप्शन दिया गया है कि आप जितने भी DRC 03 अब तक आपने फाइल करे हैं उसके यहाँ पर
डिटेल्स दिखने लगेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, आपको रीजन बताना है कि ये तो डिफरेंस है, ये क्यों है। रीजन में भी उन्हें स्पेसिफाई कर दिया है, एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन जीएसटी या 3B। अगर आप पहले ही पीरियड में 3B में आप टैक्स पे कर चुके हैं तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करके बता सकते हैं ऑलरेडी पेड। फॉर्म GSTR 1 फाइल्ड विद इनकरेक्ट डिटेल एंड विल बी अमेंडेड इन नेक्स्ट टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग टाइपोग्राफिकल एरर, रॉन्ग टैक्स रेट एक्सेट्रा। देखिए, क्लेरिकल मिस्टेक्स तो सबसे होती रहती है, एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाता है या रेट सिलेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है। ऐसी कोई एरर हुआ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि GSTR 1 इनकरेक्टली फाइल हुआ है, हम उसको नेक्स्ट पीरियड में करेक्ट कर देंगे। सम ट्रांजेक्शन ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड विच कुड नॉट, यहाँ पर और भी चीज होगी, यहाँ नहीं दिख रही है। तो ये कुछ अर्लियर पीरियड से रिलेटेड अगर आपके रीजंस है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइसेस, अगर एडवांस जो रिसीव हुआ है उसको रिपोर्ट करने में कोई मिस्टेक हो गई होगी और इनवॉइस इश्यू हो गया है बट आप इनवॉइस इश्यू नहीं बता पाए हैं तो इसके कारण भी कोई रीजन हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इस अगर इन स्पेसिफिक रीजन के अलावा कोई दूसरा रीजन है तो आप एनी अदर रीजन करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट स्पेसिफाई करना जरूरी है। वैलिडेट बटन का जैसे मैंने आपको समझाया पार्ट बी, एंटर द ERN ऑफ DRC 03 थ्रू विच पेमेंट थ्रू डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेटेड इन DRC 01 पार्ट ए वॉज मेड एंड क्लिक द वैलिडेट बटन। तो ARN करके आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तब भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब अगर ARN डालने पे ये मैसेज रिफ्लेक्ट करता है प्लीज प्रोवाइड वैलिड ARN ऑफ DRC 03, तो इसका क्या ध्यान देना है, ARN इज वैलिड ओनली इफ दिस इज द ARN फॉर सेम DRC 03 एंड द सेम GSTN। सेम GSTN और सेम DRC 03 का होना चाहिए जो कि आप सर्च करना चाहते हैं। द DRC शुड हैव बीन फिल्ड ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच DRC 01 पार्ट ए वॉज इशूड, जब भी आपके पास ये इंफॉर्मेशन है उसके बाद आपने DRC 03 भरा हो। द कॉज ऑफ पेमेंट इज लाइबिलिटी मिसमैच, जब लाइबिलिटी मिसमैच आप सिलेक्ट करेंगे DRC 03 तभी आप आपका ये ARN वैलिड माना जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ सब, कि आप जब आपके पास इंटीमेशन आया आपको लगता है आपको लाइबिलिटी पे करनी है तो जो आप पे कर रहे हो थ्रू DRC 03, तो जब पे कर रहे हो तब आपको ARN GSTN और आपके जो रीजन है फॉर पेमेंट लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 2 3 भी ये सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है पीरियड, जिस पीरियड से रिलेटेड आपका DRC 01P पार्ट ए इशू हुआ है, इंटीमेशन आया जिस भी पीरियड से रिलेटेड, वो पीरियड सिलेक्ट करना जरूरी है। इसमें कोई भी क्लेरिकल मिस्टेक नहीं चलेगी। जैसे ही आपका ARN वैलिड होगा तो आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपने कितना कितना पे किया है। रीजंस आपको ऐसे स्पेसिफाई करना, उन्होंने ये तक बताया है। अब काफी लोगों का डाउट होगा कि हमें पे नहीं करना बट हमें रीजन देना है, तो यहाँ पर आप पेमेंट भले ही नहीं करें फर्स्ट में बट आप रीजन बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड और लिखा हुआ है, मतलब पेमेंट करके रीजन बताना तो जरूरी है बट विदाउट पेमेंट आप रीजन बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंस आ रहा है उसी का आपको पे करना पड़े, शायद ऐसा डिफरेंस हो कि जिसमें पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो आप रीजन एक्सप्लेन करके भी सबमिट कर सकते हैं, बट रीजन मतलब रिप्लाई देना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद इसको सबमिट करने का बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करें, सेव करने के बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और फाइल GST DRC 01B पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो ऑथराइज एक पॉपअप आएगा, दिस दैट यू आर सबमिटिंग द रिप्लाई अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन, आप प्रोसीड पे क्लिक करें। फिर वो आपसे पूछेगा EVC से पे करना है या DSC, जो भी आपको जिससे भी पे करना है आप पे करें, EVC से करना है तो उसके बाद OTP पूछेगा, DSC से करना है तो DSC आपको लगानी पड़ेगी। वेरीफाई जैसे करेंगे तो आपका फाइलिंग सक्सेसफुल आ जाएगा और इसी के थ्रू आपके कंप्लीटेड स्टेटस में
ये ARN चला जाएगा और आपका GSTR1 भी ओपन हो जाएगा। तो दिस इज दी समरी ऑफ ट्यूटोरियल फॉर DRC 01B। होपफुली आपको ही समझ आया होगा और कोशिश करें GSTR 1 और 3B में कोई भी डिफरेंस ना हो, अदरवाइज ये डेफिनेटली आएगा। और अपना रजिस्टर, मोबाइल एंड ईमेल चेक करते रहें अगर कोई इंटीमेशन आता है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पीरियड का GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।